हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ रियल हिस्ट्री ऑफ सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी। इनके एक दो वीडियो के ऊपर मैंने पहले भी रिएक्शन किया है, बट वो उसमें उनकी हिस्ट्री नहीं थी, थोड़ा बहुत उनके कुछ किसी मूवी का सीन था और किसी वेब सीरीज़ का पता नहीं, मुझे याद नहीं, बट मैंने वीडियो किया था सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का। सो इस वीडियो के लिए मुझे कई सारे लोगों ने, अलग अलग लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, तो मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सेम वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देखना। बट बिफोर आई स्टार्ट, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आता है, और चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अब देखना। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे कि जो इस्लाम के इतिहास में सलाउद्दीन अयूबी जैसे इंसान की अहमियत को बखूबी जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की तादाद ऐसी होगी कि जो इस महान शख्स से भी वाकिफ नहीं होंगे। सबसे मेन वजह यही है कि आज हमारी नई जनरेशन ने अपना हीरो आयरन मैन, सुपरमैन और बैटमैन जैसे बड़े बड़े फर्जी करेक्टर्स को बना रखा है, जिनका असल में इस दुनिया में कोई वजूद भी नहीं है। हालांकि वो अपनी तारीख के उन बड़े करेक्टर्स को भूल गए हैं कि जिनकी बदौलत मुसलमानों ने आज इस दुनिया में अपने वजूद को बाकी रखा हुआ है। दोस्तों, फिलिस्तीन के यरूशलम में मौजूद मस्जिद अक्सा, जिसे हम बैतुल मक्तिस के नाम से भी जानते हैं, वो दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है कि जिस जगह पर तीन धर्मों के मानने वाले लोग अपना अपना हक जताते हैं। यानी मस्जिद अक्सा एक ऐसी जगह है कि जो ईसाई धर्म में भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, वहीं दूसरी तरफ यहूदी भी उसे अपनी अहमियत देते हैं, और तीसरी तरफ इस्लाम के मानने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा उसे अपना समझते हैं, और बैतुल मुकद्दस को इस्लाम का दिल माना जाता है। उसकी वजह यह है कि बैतुल मुकद्दस इस्लाम का क़िबला अव्वल है, यानी काबे से पहले उसी की तरफ मुँह करके नमाज अदा की जाती थी, और यही वजह है कि इस्लाम में बैतुल मुकद्दस को इतनी ज्यादा अहमियत दी गई है। यानी इस्लाम में काबे के बाद अगर सबसे बड़ा मर्तबा किसी इमारत का समझा जाता है तो वो बैतुल मुकद्दस ही है। बैतुल मुकद्दस से तीन मजहबों की अकीदत के जुड़े होने की वजह से ही हमेशा से ही मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान इस पर अपना हक जताने के लिए जंगें होती आई हैं, और ये कभी यहूदियों के हाथ में रहा, कभी ईसाइयों के, तो कभी मुसलमानों के भी हाथ में आया। लेकिन अफसोस, आज ये मुसलमानों के हाथ से तकरीबन निकल चुका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही बहादुर योद्धा के बारे में कि जिसने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, और उस शख्स को दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानती है। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को जितनी इज्जत की निगाहों से मुसलमान देखते हैं, उतनी ही इज्जत की निगाहों से गैर मजहब यानी ख़ास तौर से ईसाई के लोग भी देखते हैं। हालांकि हम सब लोग बखूबी जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों से ही फतह किया था, यानी ईसाइयों से छीना था। उसके बावजूद भी आखिर ऐसी क्या वजह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को ईसाई भी बड़े ही इज्जत की निगाह से देखते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों पर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बस मेरी छोटी सी गुजारिश है कि जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, ताकि इसी तरह की हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोज़ का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की पैदाइश 1138 ईस्वी में हुई। आपका पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अयूब था। आपकी सल्तनत को अयूबी सल्तनत के नाम से जाना जाता है। आपकी सिपे सालारी में आपकी फ़ौज ने बहुत सारे इलाकों को फतह किया, और सबसे ख़ास बात यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को इस्लाम में इसलिए भी ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि ये वो मुजाहिद थे कि जिन्होंने इस्लाम में काबे के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाने वाली इमारत यानी बैतुल मुकद्दस को जालिम ईसाइयों के हाथ से छीन कर फतह कर लिया था, और उस पर मुसलमानों की हुकूमत कायम कर दी थी। ईसाइयों ने मुसलमानों से जब बैतुल मुकद्दस को छीना और बैतुल मुकद्दस पर फतेह हासिल की, तो मुसलमानों पर जुल्म व सितम की हदें पार कर दी। बैतुल मुकद्दस की कहानी शुरू होती है काफ़ी लंबे वक्त पहले से। हजरत उमर फारूक आजम के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया था, और उसके बाद तकरीबन 3 सदियों से ज़्यादा मुसलमानों के पास ही इसकी बागडोर रही। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे मुसलमान कमज़ोर पड़ने लगे, मुसलमान छोटे छोटे फ़िरकों में बढ़ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस वक्त की मुस्लिम सल्तनत जो कि सलजूक सल्तनत थी, वो कमज़ोर पड़ गई।
और धीरे धीरे फिलिस्तीन सीरिया जैसे इलाकों पर ईसाइयों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। अच्छा। और आखिरकार 1099 में ईसाइयों ने मुसलमानों से बैतुल मुकद्दस को भी छीन लिया। मुसलमानों के हाथों से जब बैतुल मुकद्दस निकल गया और वहां पर ईसाई जालिमों की हुकूमत हो गई तो पूरी इस्लामी दुनिया में मातम की लहर छा गई, क्योंकि यकीनन बैतुल मुकद्दस को इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो बैतुल मुकद्दस इस्लाम का एक दिल है, लिहाजा इसी वजह से हर बंदा परेशान था कि अब क्या होगा। ईसाइयों ने फिलिस्तीन में लाखों मुसलमानों का खून बहाया, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ों, औरतों, किसी को भी नहीं बख्शा। यहाँ तक कि हालत ऐसी हो गई कि फिलिस्तीन के पूरी ज़मीन पर मुसलमानों का खून ही खून नज़र आ रहा था। उसके बाद कई मुस्लिम हुक्मरानों ने लगातार बैतुल मुकद्दस को फतह करने की कोशिश की, लेकिन हजारों शहादतों के बावजूद भी हर हुक्मरान नाकाम रहा और बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों को फतह नसीब नहीं हो पाई। आखिरकार हमेशा की तरह वक्त ने फिर से अंगड़ाई ली और पैदाइश होती है एक ऐसे शख्स की जिसका नाम था नूरुद्दीन जंगी। नूरुद्दीन जंगी ने अपनी जिंदगी का ये मकसद बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बैतुल मुकद्दस को फतह करना है। और उनके पास एक ऐसा मेंबर भी मौजूद था जो उन्होंने ये ख्वाहिश करके ही बनवाया था कि जब मैं बैतुल मुकद्दस को फतह करूंगा तो उस मस्जिद में इस मेंबर को नसब करूंगा। लेकिन अफसोस, खुदा ताला को कुछ और ही मंजूर था। नूरुद्दीन जंगी की फौज में एक आम सिपाही था जिसका नाम था सलाहुद्दीन अयूबी। धीरे धीरे सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी होशियारी और बहादुरी के दम पर नूरुद्दीन जंगी की फौज में आला से आला मनसब हासिल करना शुरू कर दिए और एक वक्त ऐसा आया कि सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र के गवर्नर बना दिए गए। जब नूरुद्दीन जंगी की वफात हुई तो कोई भी ऐसा काबिल शख्स मौजूद नहीं था कि जो उनकी जगह पर तख्त पर बैठ सके, लिहाजा तमाम लोगों ने मुत्तफिक होकर नूरुद्दीन जंगी की पूरी सल्तनत सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों में सौंप दी। और लिहाजा सलाहुद्दीन अयूबी को भी वो मौका मिला जिनकी उसको हमेशा से तमन्ना थी, यानी बैतुल मुकद्दस को फतह करने का। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र के तख्त पर बैठते ही अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया था और वो मकसद था बैतुल मुकद्दस को फतह करना। उनके दिमाग में हमेशा यही चीज़ चलती रहती थी कि किस तरह हम अपने आबाओ अजदाद की उस चीज़ को वापस लें जो हमसे छीन ली गई है। और सबसे बड़ी हैरत की बात ये थी कि जिस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को तख्त पर बिठाया गया उनकी उम्र सिर्फ 21 से 22 साल थी। अब आप सोच सकते हैं कि उनके अंदर कितनी काबिलियत मौजूद थी। कहा जाता है कि जब सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र के तख्त पर बिठाए गए तो उस वक्त मिस्र के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। मुसलमान छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ चुके थे, जिनाकारी और शराब पीना बहुत ज़्यादा आम हो चुका था। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस थे। उन्हें जहाँ एक तरफ बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए अपने मिशन को आगे बढ़ाना था तो वहीं दूसरी तरफ शराब और जिना जैसे बुरी बुरी चीज़ों से भी अपनी सल्तनत को छुटकारा दिलाना था। मिस्र के हालात उस वक्त ऐसे हो चुके थे कि एक मुसलमान और गद्दार को पहचानना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि वहाँ पर जहाँ एक तरफ ईसाई मुसलमानों के लिबास में घुस चुके थे तो वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों ने मुसलमानों में ही खरीदो फरोख्त करके अपने एजेंट लगा रखे थे। पता ही नहीं चल पाता था कि कौन अपना है और कौन बेगाना। उस दौर की ईसाई हुकूमत में खूबसूरत लड़कियाँ और शराब बहुत ज़्यादा कारगर मानी जाती थी, यानी उन लोगों का ये मामूल था कि वो जब भी किसी ऐसे इंसान को देखते थे कि जिसे देखकर उन्हें ये महसूस होता था कि ये दुश्मन हमारी टक्कर का दुश्मन है या हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत दुश्मन है, तो वो उसके खिलाफ शराब या लड़कियों को इस्तेमाल किया करते थे। और अफसोस, उनकी इस नापाक साजिश में बहुत से मुस्लिम हुक्मरान फंस भी जाया करते थे। दोस्तों, जब सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह करने का इरादा किया तो उनके इस इरादे की खबर भी मुस्लिम गद्दारों के जरिए से मिस्र से फिलिस्तीन पहुंच गई। लिहाजा बैतुल मुकद्दस की जब ईसाई हुकूमत को ये पता चला कि सलाहुद्दीन अयूबी नामी एक मजबूत सिपहसालार फिर से उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए तैयारी कर रहा है तो उन लोगों ने सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ भी वही चाल चली जो वो हमेशा से चलते आ रहे थे, यानी शराब और लड़कियों का इस्तेमाल करना। मिस्र की मुसलमानों की हुकूमत की फौज में ही एक कमांडर था जिसका नाम था नाज़ी। ये देखने में तो बाज़ाहिर मुसलमान था लेकिन अंदरूनी तौर पर पक्का ईसाइयों का एजेंट था। बैतुल मुकद्दस के ईसाइयों ने इस एजेंट के जरिए से कई बार ये कोशिश की कि सलाहुद्दीन अयूबी को शराब पिलाई जाए, लिहाजा नाज़ी ने
अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो सलाहुद्दीन अयूबी को शराब पिलाए। कई जगह महफिल में उसने पेशकश की, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने उसकी इस चाल को अपने सामने जर्रा बराबर भी टिकने ना दिया। सलाहुद्दीन अयूबी ने कभी भी शराब को पीना तो दूर हाथ तक नहीं लगाया। लिहाजा नाजी को जब इस बात का यकीन हो गया कि सलाहुद्दीन अयूबी इस शराब को कभी हाथ नहीं लगाएगा, तो फिर उसने नाकाम होकर अपना दूसरा वाला फार्मूला अपनाया, और वो दूसरा वाला फार्मूला था लड़की का फार्मूला। लिहाजा उसने एक रात एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की को अपने काम के लिए राज़ी कर लिया। उस खूबसूरत लड़की को राज़ी करने के बाद वो नाजी जनरल जो ईसाइयों का एजेंट था, वो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास गया और उसने सुल्तान से कहा कि सुल्तान, एक लड़की आई है जो बहुत दूर से सफ़र तय करके आई है और वो आपसे मिलना चाहती है और वह बहुत परेशान है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल उस लड़की को जल्द अज जल्द अंदर बुला लिया जाए। लेकिन जाहिर है कि नाजी के इरादे तो कुछ और ही थे। नाजी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से कहा कि वो लड़की इस बात की भी जिद कर रही है कि वो आपसे अकेले में मिलना चाहती है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि आप समझ चुके थे कि ये नाजी जो अंदरूनी तौर पर ईसाइयों का एजेंट है, ये आपको किस जाल में फंसाना चाहता है। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फरमाया, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपने खेमे में जा रहा हूँ और उसे उस खेमे में भेज दिया जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की इजाज़त मिलने के बाद उस गद्दार कमांडर ने उस लड़की को ये मशवरा दिया कि तुम्हें जाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ गलत हरकतें करना है और उनको अपनी तरफ माइल करने की पूरी कोशिश करना है, और साथ ही उससे ये वादा किया गया कि अगर तू सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को एक गिलास भी शराब पीने के लिए राज़ी कर लेगी तो तुझे वो सब कुछ दिया जाएगा जो तेरी मर्जी होगी। लिहाजा इस इरादे के साथ वो लड़की सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे की तरफ रवाना हुई। लेकिन जैसे ही वो लड़की सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में दाखिल हुई, तो फौरन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने कंधों से चादर उतार कर उस लड़की को वो चादर दे दी और उससे ये कहा कि इस चादर से अपने बदन को ढक लो। ये सुनते ही वो लड़की अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा हुई। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बड़े ही मोहब्बत के साथ उस लड़की से ये सवाल पूछा कि ऐ लड़की, तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? ये सुनकर वो लड़की खामोश हो गई, क्योंकि जाहिर है कि उसे ये खबर नहीं थी कि उसके माँ बाप कौन हैं, क्योंकि उस वक्त ईसाई हुकूमत के लोग यतीम बच्चों को कैदी बना लिया करते थे और उनमें से जो भी खूबसूरत लड़कियां हुआ करती थीं, उनकी बचपन से ही इसी काम के लिए परवरिश किया करते थे। उसके बाद वो लड़की सिसक सिसक कर रोने लगी और हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से कहने लगी कि उन लोगों ने मुझे आपके साथ गलत काम करने के लिए भेजा था। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और आपने उस लड़की से फरमाया, जाओ और अपने सरदारों से कहना कि तुमने मुझे जो काम सौंपा था मैंने वो काम कर दिया है। उस लड़की ने जाकर अपने सरदारों से यही कहा और उस लड़की की ये बात सुनकर तमाम ईसाई लोग खुश हो गए। उन्हें ये लगा कि शायद वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। अगली सुबह होते ही नाजी कमांडर, यानी जो ईसाइयों का आदमी था और मुसलमानों की फौज में रहा करता था, उसने ये गदर मचाना शुरू कर दिया कि देखो, हमारा सुल्तान तो एक शराबी है, हमारा सुल्तान तो एक जिनाकार है। तमाम लोग इससे बड़ी हैरत में पड़ गए और लोगों के दरमियान फूट पड़ना शुरू हो गई। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने खेमे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पूरे महल में उनके बारे में यही बातें गर्दिश कर रही हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरन फरमाया कि तुम लोग मुझ पर इतनी बड़ी बड़ी तोहमत लगा रहे हो, कम से कम एक बार उस लड़की से तो पूछो जिसके बारे में नाजी कमांडर दावा कर रहा है। लिहाजा उस लड़की को बुलाया गया। उस लड़की ने तमाम लोगों के सामने ये जवाब दिया कि कसम है मुझे उस खुदा की जिसको मैं मानती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से ज़्यादा शरीफ और नेक शख्स नहीं देखा है, क्योंकि रात भर मैं इनके खेमे में रही, उसके बावजूद भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कोई गलत काम करना तो दूर मेरी तरफ गलत निगाह से भी नहीं देखा। लिहाजा जब लड़की ने यह जवाब दिया तो तमाम लोगों के सामने उस नाजी कमांडर की किरकिरी हो गई और उसका मुंह काला हो गया। ईसाइयों की जब ये लड़की और शराब दोनों साजिशें नाकाम हो गईं, तो उसके बाद भी उन्होंने मुसलसल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ साजिशें जारी रखीं, लेकिन वो हर साजिश में नाकाम हुए जाते थे। लिहाजा अब उन लोगों को डर सताने लगा था कि आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से कैसे निपटा जाए, वरना एक दिन वो आएगा कि ये बैतुल मुकद्दस को हमारे हाथों से छीन लेगा। आखिरकार जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र की तमाम मुसीबतों से छुटकारा पा लिया
और मिस्र में अपनी सल्तनत को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया, तो फिर उन्होंने बैतुल मुकद्दस के रास्ते पर रवाना होने का इरादा किया। बिलाखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी फौज के साथ बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए मिस्र से निकल पड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और उनकी फौज के लोगों में जिहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और उन लोगों की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, बैतुल मुकद्दस की फतह। और फिर हित्तीन के मैदान में ईसाई और मुसलमानों की फौजें आमने सामने हुईं। बहुत खतरनाक जंग शुरू हुई जिसमें मुसलमानों की फौज ने ईसाइयों की फौज का सफाया करना शुरू कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खूंखार फौज जालिम फौज का सफाया करते हुए बैतुल मुकद्दस की तरफ अपने कदम धीरे धीरे बढ़ा रही थी और खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी फौज का जोश बढ़ाने के लिए अपनी फौज के दरमियान में आकर ईसाइयों के साथ जंग कर रहे थे। हजारों जालिम फौजियों को कत्ल कर दिया गया और हजारों ईसाई सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाई और बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया और उसी दिन से मसीही हुकूमत का वहां से खात्मा हो गया और मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी पूरी अजीम फौज के साथ पूरी शान और शौकत के साथ बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए। जब बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों ने फतह किया तो वहाँ के ईसाई लोगों को यही उम्मीद थी कि शायद उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब हम लोगों ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था तो हमने मुसलमानों का कत्लेआम किया था। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वैसा कुछ भी नहीं किया जैसा उस वक्त की ईसाई फौजों ने मुसलमानों के साथ किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तमाम ईसाइयों को फिदिया लेकर वहाँ रहने की इजाज़त दे दी और जो लोग गरीब थे फिदिया नहीं दे सकते थे उनका फिदिया खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और उनके भाई ने अदा किया। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने नूरुद्दीन जंगी का वो मिंबर बैतुल मुकद्दस में नसब कर दिया जो मिंबर नूरुद्दीन जंगी ने इस ख्वाहिश के साथ बनवाया था कि जब वो बैतुल मुकद्दस को फतह करेंगे तो उसमें ये मिंबर रखा जाएगा। लेकिन देखिए खुदा को क्या मंजूर था कि नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरी की। बैतुल मुकद्दस की फतह की खबर जब पूरी दुनिया में हवा की तरह फैल गई कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नाम के एक इंसान ने बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया है तो तमाम दूसरी ईसाई हुकूमतों में तहलका मच गया। देखते ही देखते तमाम ईसाई हुकूमतों ने आपस में एकता कर ली और इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस इस तरह के तमाम देशों ने मिलकर एक फौज तैयार की। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड और फ्रांस का बादशाह फिलिप अपनी फौजों को लेकर फिलिस्तीन की तरफ रवाना हुए। ईसाइयों की उस पूरी फौज की तादाद तकरीबन 6 लाख थी, वहीं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौज की तादाद कुछ हजारों में ही थी। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलसल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तकरीबन 3 से 4 साल तक लगातार उस फौज का मुकाबला करते रहे। आखिरकार ईसाई फौजों को ये लगने लगा कि उन्हें अब कुछ हाथ नहीं आने वाला है तो उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से सुलह करके वापस जाने का इरादा कर लिया और आखिरकार इस तरह से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूरी दुनिया में ये साबित किया कि वो अपने दौर के सबसे मजबूत, सबसे बहादुर और सबसे होशियार सिपे सालार हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक बहादुर और निडर जंगजू होने के साथ साथ बहुत नेक दिल इंसान भी थे। वो हमेशा बहुत ज़्यादा सदका किया करते थे। हर गरीब इंसान को वो अपने सीने से लगाया करते थे और उससे मोहब्बत से बातें किया करते थे। वो अपनी सल्तनत में हमेशा उन लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद किया करते थे जो गरीब और कमज़ोर हुआ करते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी रुपया कमाया उसका ज़्यादातर हिस्सा उन्होंने सदका ही कर डाला। उनके पास कभी इतना पैसा भी जमा नहीं हो पाया कि वो हज का फरीज़ अदा कर सकें। उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि वो एक बार हज ज़रूर करें, लेकिन वो जंगों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ रहे कि उन्हें इस चीज़ का मौका भी नहीं मिल सका। और दूसरी वजह यह भी थी कि उनके पास इतना पैसा ही जमा न हो पाया कि उनके ऊपर हज फर्ज हो सके। आप मुस्लिम और गैर मुस्लिम हर एक से बराबरी के साथ मिला करते थे, लिहाजा आपकी ये नरमी और आपकी ये दरिया दिली की ही वजह थी कि तमाम ईसाई लोग भी आपकी आज भी बहुत ज्यादा तारीफें किया करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की नेक दिली का सिर्फ हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आपकी वफात हुई तो आपने अपनी नस्लों के लिए विरासत में कुछ भी नहीं छोड़ा था। आपके मरने के बाद आपकी विरासत में सिर्फ एक घोड़ा, एक तलवार, एक ज़रा, एक दीनार और सिर्फ 36 दिरहम थे और इन तमाम चीज़ों की कीमत मिलाकर भी इतनी कीमत नहीं बन पाई थी कि उस कीमत के ज़रिए से आपकी तदफीन यानी आपको दफनाया जा सके। लिहाजा आपके दफनाने का खर्चा भी उस वक्त के खलीफा ने उठाया था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिस शख्स ने पूरी ज़िंदगी भर सल्तनत की उसके बावजूद भी उसने अपने लिए इतना पैसा भी नहीं बचाया
कि जिस पैसे के जरिए से सिर्फ उसकी तदफीन ही की जा सके। लिहाजा ये थे हमारे असल हीरो कि जिनकी ज़िंदगी यकीनन हमारे लिए एक आइडल है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों अहबाब रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हमें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो ये था वीडियो, और इस वीडियो को देखने के बाद मेरे इतने ज़्यादा कंसेप्ट खुले हैं, इतने ज़्यादा चीज़ें मुझे पता लगी हैं जो मुझे आज से पहले कभी भी नहीं पता थी। मैंने एक वीडियो किया था सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का, उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें तो बोली थी जो कि मुझे बहुत बेसिक लेवल पर पता थी। हाँ, मस्जिद अक्सा का मुझे पता है कि वो उन्होंने फतह की थी, बट इतना ज़्यादा इन डेप्थ में जाके जो इस वीडियो के थ्रू मुझे जानने को मिला वो तो मुझे नहीं पता था पहले भी। और सबसे पहले तो शुक्रिया दिल से जिन्होंने मुझे इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया। इस वीडियो के थ्रू मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और बहुत चीज़ें मुझे पता लगे जो अब से पहले नहीं पता थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कितना कुछ किया है। मतलब जो रियल आइडल हैं हमारे वो ये हैं, ना कि जो मूवीज़ और हम लोग देखते हैं ना हीरो, उन लोगों को हम लोग अपना आइडल और इंस्पिरेशन मान लेते हैं। जो रियल इस्लामिक हीरो हैं वो ये हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस किया, इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और इतनी बड़ी बड़ी जंगों को फतेह किया। इन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने मस्जिद अक्सा पर जो है अपनी फतेह की और इस्लाम का झंडा वहाँ पर लगाया था। तो उस वक्त तो इन्होंने मस्जिद अक्सा को फतेह कर लिया था, लेकिन बहुत वक्त बाद तक भी वो रही मुसलमानों के पास। लेकिन अब फ़िलहाल की अगर मैं बात करूँ तो करंट सिचुएशन तो आप लोगों को सभी को पता है कि वो मुसलमानों के हाथ में अभी फ़िलहाल नहीं है। और बस मैं तो यही दुआ करती हूँ कि फिर से कोई सलाहुद्दीन अयूबी आए और मुसलमानों के हाथ में वापस से मस्जिद अक्सा आ जाए, क्योंकि इस वक्त तो शायद यहूदी जो वहाँ के लोग हैं उन्हीं के हाथ में हैं। और अभी पीछे इस चीज़ को लेके बहुत सारी न्यूज़ और ये सब आप लोगों को पता ही होगा क्या कुछ हुआ था। प्लीज़ बताइए कि जिस वक्त वहाँ के जो यहूदी लोग थे या क्रिश्चियन, हाँ जो ईसाई लोग थे, उन्होंने जब मुसलमानों से छीनी थी ना, उस पर कब्ज़ा किया था मस्जिद अक्सा पर, तो उन्होंने क्या किया था, उस वक्त मुसलमानों को इतना मारा था कि जैसे उन्होंने बताया कि इतना खून बहाया था लोगों, इतने मासूमों को मारा था सिर्फ इसलिए ताकि अब इनकी हुकूमत वापस नहीं आनी चाहिए, ये लोग वापस से इस मस्जिद को फतेह ना कर लें। लेकिन उसके बाद जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जब मस्जिद अक्सा पर फतेह किया, तो उस वक्त जो क्रिश्चियन लोग थे, जो ईसाई लोग थे, वो डरे हुए थे। उनको ये याद आ रहा था कि हमने भी तो इनके साथ यही किया था, जब हमने फतेह किया था तो हमने भी तो मुसलमानों को मारा था, तो अब हमारी बारी है। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की दरिया दिली देखो कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। उनकी जगह कोई और होता तो बिल्कुल भी नहीं बख्शता, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी किसी को कुछ नहीं कहा और इन लोगों को वहीं रहने की परमिशन भी दी। और एक वर्ड बोला था कि उनके रहने के लिए उन्होंने वो भी पे किया था जो लोग उस चीज़ को पे नहीं कर पा रहे थे। वो क्या वर्ड था, मैं उस चीज़ वो वर्ड ना मुझे याद नहीं आ पा रहा है। तो यही रीज़न है कि जो आज का जो ईसाई है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता, वो भी उनको अच्छा मानता है। यही रीज़न है कि आज के जो ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वो उनको अच्छा बोलते हैं, गलत नहीं बोलते। और दूसरी चीज़ कि वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सबके साथ वो बहुत अच्छे से पेश आते थे और गरीबों की इतनी ज़्यादा मदद करते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितना भी कुछ कमाया था वो सारी चीज़ वो जो है सदका खैरात कर देते थे। ऐसा नहीं था कि वो इतने बड़े सुल्तान थे, इतनी बड़ी सल्तनत उन्होंने खड़ी की थी, बट उसके बावजूद भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बचाया। आखिरी वक्त में भी मतलब उनकी पूरी जो जुड़ी हुई चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें बताई थी, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं था, बहुत बेसिक चीज़ें थी, बट आखिरी वक्त में भी उनके पास वो चीज़ें बेचकर भी जो पैसा आया ना, उसका खर्चा था कि उनको दफनाने के लिए जो खर्चा बैठ रहा था वो भी पूरा नहीं हो पा रहा था। मतलब इतनी भी उन्होंने कुछ अपने लिए कुछ नहीं बचाया था, जो भी था उन्होंने सब कुछ गरीबों में दे देना, ये सब चीज़ें वो करते थे। बहुत ही अजीम शख्सियत रहे होंगे यार अपने टाइम की, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग तो बस सुन ही सकते हैं, बस सोच सकते हैं दिमाग में ये सब चीज़ें बातें सुनकर के, हाँ उस वक्त का क्या ही दौर रहा होगा। लगता है कि सुल्तान तो खैर बहुत आए, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे सुल्तान तो शायद ही कोई आए होंगे। जैसा इनका हिस्ट्री मैंने अभी सुना है ना, तो मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा ऊपर कोई सुल्तान आए होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बहुत ही ज़्यादा ग्रेट लीडर रहे हैं इस्लाम के। सो बस अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम हासिल करे। और मुझे इस वीडियो से सच में इतनी खुशी हुई इस वीडियो को देखकर। वीडियो थोड़ा लेंथी ज़रूर था, बट बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला है। और गाइज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मुझे ना थोड़ी इस तरीके की हिस्टोरिकल वाली जो वीडियोज़ है ना इस्लामिक,
ताकि मेरे को भी उससे कुछ चीज़ें सीखने को मिले। इस बहाने पता है क्या होता है, मैं नॉर्मल नहीं देख पाती, ये सबके साथ है, रिएक्शन चैनल के बहाने मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मैं जब कोई वीडियो देखती हूँ ना तो मैं ये सोच के नहीं देखती कि मैं अकेले देख रही हूँ। अभी जबकि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे पता है अभी ये वीडियो मेरा यूट्यूब पर नहीं गया, अभी सिर्फ मेरे फ़ोन के गैलरी में है। लेकिन आप यकीन मानो जिस वक्त मैं कोई भी वीडियो देखती हूँ ना, मैं ये सोच के देखती हूँ कि मेरे साथ मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ये लोग हम लोग एक साथ बैठ कर देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है एट दी एंड ये वीडियो आप लोगों के पास पहुँच ही जाना है। मुझे कोशिश करो आप मुझे इस टाइप की वीडियोस भेजो, सजेस्ट करो, ताकि मैं उनके ऊपर रिएक्शन करूँ। सो गाइस, दिस वाज माय रिएक्शन, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। अच्छा लगा है, पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।